हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लोकेश और आप सभी का एसएससी बुलेट ट्रेन में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल को स्टार्ट किया था, वहां पे मैंने जो पैसिव एलिमेंट रहते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल में, जैसे रहता है इंडक्टर, रहता है कैपेसिटर, रहता है रेजिस्टर, रहता है, इस सभी को हमने डिस्कस कर लिया। तो जो कैपेसिटर है, रेजिस्टर है, इंडक्टर है, उसके अक्रॉस का जो करंट है, करंट की वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू है, वो निकालने के लिए दो बेसिक सर्किट लॉ आते हैं। एक आता है केवीएल और दूसरा होता है केसीएल। केवीएल आने क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको हम वोल्टेज लॉ भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो होता है केसीएल, केसीएल क्या होने क्या होता है, किरचॉफ करंट लॉ। तो ठीक है, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ क्या है, किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। और किरचॉफ करंट लॉ के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि किरचॉफ करंट लॉ ये नोड पे अप्लाई होता है। तो आप बोलेंगे सर नोड यानी क्या होता है, आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, कहां भी घूमने जाते हैं, तो आप बोलते हैं ये जंक्शन है। जंक्शन यानी क्या, उस पॉइंट पे वन और मोर देन टू ब्रांचेस क्या होते हैं, एक दूसरे को अटैच होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, जंक्शन बोलते हैं। पर जहां पे मोर देन टू ट्रैक एक दूसरे को अटैच होते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, नोड बोलते हैं। तो केसीएल का क्या बोलना है, मान लो ये नोड है, ठीक है, मैंने बोला पहले बोला था कि इसमें मोर देन टू ब्रांचेस होते हैं, ठीक है। तो एक किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, ये जो नोड है, ये जो पॉइंट है, ये क्या हो गया नोड, इस नोड पे क्या हो गए, तीन ब्रांचेस हो गए। तो किरचॉफ करंट लॉ का क्या बोलना है, जो इनकमिंग करंट है यानी जो आई वन एंड आई टू, ये दो जो इनकमिंग करंट है किसके बराबर हो जाता है, आउटगोइंग करंट यानी आई थ्री के बराबर। यानी किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ब्रांच करंट एट द नोड इज जीरो एट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी क्या होता है, ये जो नोड है, नोड पे क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है, यानी आई वन एंड आई टू क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे, इस नोड पे क्या इनकमिंग हो रहा है, लेकिन एट सेम इंस्टेंट वो करंट क्या हो रहा है क्या, लीव हो रहा है। सो क्या हो रहा है, अल्जेब्रिक सम ऑफ द ब्रांच करंट एट द नोड इज जीरो एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी जितना करंट आ रहा उतना करंट क्या हो रहा, लीव हो रहा। यानी नोड पे क्या हो रहा है, जो करंट की वैल्यू क्या हो रही है, वो जीरो हो रही। सो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। यानी क्या हो रहा, जो चार्ज रहते हैं, चार्ज यानी क्या होता है करंट, जो चार्ज रहता है वो क्या, चार्ज क्या होता है, वेस्ट नहीं होता। यानी जितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा उतना अमाउंट ऑफ करंट क्या हो रहा, लीव हो रहा। सो इसको हम किरचॉफ करंट लॉ को और क्या बोल सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, बराबर है। और जो केसीएल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मान लो ये नोड है, ठीक है, नोड पे जो करंट इनकमिंग हो रहा, यानी जिस करंट की डायरेक्शन नोड की तरफ है, उसको हम ऑलवेज क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और जो करंट नोड में से निकल रहा उसको हम ऑलवेज क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं, यानी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होगी केसीएल के बारे में, यानी जो करंट नोड की तरफ आता है उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और जो भी करंट नोड की तरफ से आउट होता है यानी बाहर जाता है उसको क्या हम लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। तो इस केसीएल को हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे मैंने बोला था जो केसीएल है, केसीएल किसके ऊपर अप्लाई होता है, केसीएल अप्लाई होता है नोड के ऊपर, ठीक है। तो नोड के बारे में मैंने क्या बोला था, मान लो ये नोड है, ठीक है, नोड के तरफ जो आता है उसको क्या करता है, ऐड करता है, यानी एक हद पॉइंट है उसकी तरफ जो आ रहा तो क्या होगा, एडिशन होगा, एडिशन हो रहा है, यानी क्या होगा, जो उसकी तरफ आ रहा तो वो ऐड हो रहा, लेकिन जब भी उसकी तरफ से वो निकल जाता है तो क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। वैसे ही केसीएल में होता है, केसीएल क्या करता है, नोड की तरफ जो करंट आता है उसको क्या करता है, ऐड करता है, लेकिन जो नोड की तरफ से करंट निकल जाता है उसको क्या करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये जो फिगर है, तो आप बोलेंगे सर इसमें नोड कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, जंक्शन कौन सा है, ये कैसे फाइंड आउट करने का। तो मैंने बोला था जो नोड होता है, नोड की तरफ मिनिमम कितनी ब्रांचेस होते हैं, टू थ्री ब्रांचेस होती है। तब अपन इस ब्रांच से आए इस पॉइंट तक, और इस ब्रांच से इस पॉइंट तक, और यहां से निकल गए, तो क्या हो गया, वन टू थ्री, यानी इस पॉइंट पे क्या हो गया, थ्री ब्रांचेस हो गया, यानी क्या हो गया, एक नोड हो गया, उसको हमने डिनोट किया ए से, ठीक है। फिर सीधा है, सीधा है, सीधा है, जैसे इस पॉइंट पे आए, इस पॉइंट पे और क्या हो गया, तीन ब्रांचेस आ गए, एक ए, एक ए और एक ए, तो ये क्या हो गया, ये सेकंड नोड हो गया, यानी ये क्या हो गया, नोड बी हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट से हम ऐसे निकल गए, सीधा है, तो इस पॉइंट पे आए, ये इस पॉइंट पे क्या हो गया, और तीन ब्रांच मिले, एक ए,
ए के, तो ये क्या हो गया, एक नोड हो गया। तो हमने इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में टोटल नोड कितने हैं, तीन नोड है, एक है नोड ए, नोड बी, नोड सी, ठीक है। लेकिन इस प्रॉब्लम में अपन को I1, I2, I4, I6 की वैल्यू गिवन है, लेकिन अपन को I3, I5 और I7 की वैल्यू निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे, इसको वन बाय वन देखेंगे। मान लो ये नोड ए है, ठीक है, इस नोड ए पे क्या हो रहा है, जो I1 है और I2 है वो क्या हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, इनकमिंग हो रहा है, यानी क्या होगा, वो एड होगा, ठीक है। लेकिन जो I3 है, एट द सेम इंस्टेंट I3 क्या हो रहा है, उस ए पॉइंट से क्या हो रहा है, लीव हो रहा, ठीक है। तो यानी I3 क्या हो गया, माइनस हो गया। सो मैंने यहाँ पे लिखा है I1 प्लस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बट I1 एंड I2 क्या हो रहा है, नोड की तरफ आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2, ठीक है। लेकिन I3 की वैल्यू अपन को निकालनी है, लेकिन I3 क्या है, निगेटिव है, सो वो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 यानी क्या हो गया, 7, यानी एक कैसा हो जाएगा, 7 माइनस I3 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर इस I3 को हमने इस साइड ले गए, तो वो क्या हो जाएगा, I3 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, यानी अपन को I3 की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 एम्पियर, ठीक है। फिर हम इस I3 की वैल्यू लेकर इस पॉइंट तक आए, यानी नोड बी तक आए, तो क्या हो गया, नोड बी में क्या हो रहा, जो I3 है, I3 क्या हो रहा, इनकमिंग हो रहा, और जो एट द सेम इंस्टेंट क्या हो रहा है, जो I4 है एंड I5 है वो क्या हो रहा है, लीव हो रहा है, यानी I4 एंड I5 क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें अपन को I3 और I4 की वैल्यू गिवन है, बराबर है, लेकिन अपन को I5 की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो वो क्या हो जाएगा, I3 कितना हो गया, 7 माइनस, अगर आपने इस माइनस साइन को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, I3 माइनस I4 माइनस I5, ठीक है। लेकिन I3 की वैल्यू कितने, 7, सो वो क्या हो जाएगा, 7, और जो I4 की वैल्यू कितनी है, 1, यानी 7 माइनस 1, और I5 की वैल्यू क्या करनी है, अपन को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 6, अगर आपने इस I5 को इस साइड ले गए, तो अपन को I5 की वैल्यू क्या मिलेगी, I5 इज इक्वल टू 6 एम्पियर, ठीक है। यानी अपन को I3 की वैल्यू मिल गई और I5 की वैल्यू मिल गई, यानी I3 की वैल्यू कितनी होगी, 7 एम्पियर, और I5 की वैल्यू कितनी होगी, 6 एम्पियर, ठीक है। अगर आप फिर सीधा सीधा ऐसे आए, ऐसे आए, इस नोड सी तक आए, तो क्या हो जाएगा, नोड सी पे क्या हो रहा, I5 का यह क्या है, इनकमिंग है, एट सेम इंस्टेंट I6 एंड I7 क्या है, लिविंग करंट है, यानी क्या हो जाएगा, I5 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी I5 माइनस I6 प्लस I7, अगर आपने इस माइनस साइन को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, I5 माइनस I6 माइनस I7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन अपन को I5 की वैल्यू गिवन है, यानी वो क्या हो गई, 6, और I6 की वैल्यू ऑल्सो गिवन है, वो क्या है, 2 एम्पियर, तो वो क्या हो गया, 6 माइनस (I7) = 0, ठीक है। अगर आपने इस माइनस को पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2 - I7 = 0, ठीक है। तो अपन को इस इक्वेशन से 6 + 2 क्या होता है, 6 - 2 क्या होता है, 4। तो अगर आप इस I7 को इस साइड ले गए, तो अपन को I7 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 एम्पियर, ठीक है। तो ये होता है टोटल केसीएल। केसीएल के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो अप्लाई होता है भाई नोड के ऊपर, ठीक है। और नोड के ऊपर भी अप्लाई होने के बाद क्या रहता है, जो इनकमिंग करंट होता है इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट होता है, ठीक है। ये जो पूरा हमने डिस्कस किया, ये डिस्कस किया केसीएल के बारे में। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो में हम केवीएल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।